कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार विच कैबिनेट मंत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल वालों हुसैनीवाला बार्डर विखे अज शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु ते सुखदेव की समाधि उत्ते श्रद्धा के फुल भेट किए गए। सीरियाई फौजियों ने राजधानी दमिश्क के पूर्वी हिस्से विच तीन दिना फौजी मुहिम तहत 150 तो वध अतवादियों मार मुकाया है। इस मुहिम के सैकड़े अतवादी जख्मी हुए हैं। अजे भी सीरियाई फौजियों ते अलकायदा नाल जुड़िया अतवादी जथेबंदियों दरमियान लड़ाई जारी है। बाबरी मामले में भाजपा के सीनियर आगू लाल कृष्ण अडवाणी मुरली मनोहर जोशी ते उमा भारती समेत कई भाजपा आगुआ उत्ते केस नूं लै के सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई 6 अप्रैल नूं होएगी। दक्षिणी पछमी दिल्ली के महावीर एनकलेव इलाके विच बीते दिन पुलिस ने एक औरत ते उसकी बेटी नूं बचाया जिन्हां ने खुद नूं बीते 4 साल तो अपने ही कमरे विच बंद किया होया सी। दोवें मावां तीवां नूं अवसाद यानी कि डिप्रैशन का शिकार दसाया जा रहा है। पुलिस ने जानकारी मिलते ही 42 साल की कलावती ते उसकी 20 साल की धी दीपा नूं कमरे विचों कढ के हस्पताल दाखिल करवाया है। केंद्र सरकार ने एक वड्डा फैसला लिया है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने जो फैसला किया उस नाल देश दीआं तमाम जाति आधारित नौकरियों नूं लैके बाकी सहूलतों में फर्क पैना तय है। केंद्र सरकार के फैसले अनुसार संविधान सोध के राही पछड़े वर्ग कमिशन के स्थान उत्ते नवा कमिशन बनाया जाएगा। पंजाब विधानसभा में विरोधी धिर के आगू ते आम आदमी पार्टी के हलका दाखा तो विधायक एडवोकेट हरविंदर सिंह फूलका ते लोक इंसाफ पार्टी के मुखी ते हलका आत्मनगर तो विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने जगराओं पुल विखे शहीद भगत सिंह राजगुरु ते सुखदेव के बुतों उत्ते फुल चढ़ा के शहीदों नूं श्रद्धांजलि अर्पित की है। बरतानिया की संसद के बाहर हुए अतवादी हमले उत्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि भारत बरतानिया के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़ा है। एक सरकारी वकील ने यह गल कही है कि संविधान मुताबक कैबिनेट मंत्री रहिंदिया नवजोत सिंह सिद्धू कॉमेडी शो नहीं जारी रख सकते। पंजाब विचों नशा का मुकम्मल सफाया करने लिए कैप्टन सरकार अपना वादा पूरा करेगी। नशा के समगलरों नूं जेलों में सुट्टांगे। यह विचार खटकड़ कलां विखे शहीद भगत सिंह नूं श्रद्धांजलि अर्पित करदिआं राणा गुरजीत सिंह कैबिनेट मंत्री पंजाब ने प्रगट किए ने। कैलगरी शहर में पिछले लंबे समय तो चल रहे पंजाबी रेडियो सुर संगम के नवे दफ्तर का उद्घाटन संसद मैंबर दर्शन सिंह कंग ते अलबर्टा सरकार में कैबिनेट मंत्री इरफान साबर ने शहर दीआं प्रमुख शख्सियतां की हाजरी में रीबन कट के किया। इस समय दोनों मुख मेहमानों ने संबोधन करदिआं कहा कि कनेडा की धरती उत्ते आके पंजाबियों ने सख्त मेहनत करके चंगे कारोबार स्थापित किए हैं।